हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक बहुत छोटी कंपनी बताऊंगा। अभी इस कंपनी का जो प्राइस चल रहा है भाई, वो 115-16 रुपया। आप लोग इस कंपनी का 25-50-100 शेयर खरीद के छोड़ दीजिए, और यहां से अगर स्टॉक डबल हो जाता है भाई तो आप अपना कैपिटल निकाल लीजिएगा, सिर्फ प्रॉफिट को ही छोड़िएगा। और अगर आप लोग कैपिटल भी निकाल लेते हैं, प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं, तो 15-20 साल बाद भी आप यही सब करते रह जाइएगा। आप किसी को बड़ा होने ही नहीं दीजिएगा, तो फिर आपके पैसे कैसे बनेंगे। और कोई भी कंपनी हमेशा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कितनी भी अच्छी कंपनी होंगी ना, तो हमेशा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। करेक्शन, कंसोलिडेशन, ये सब भैया जिंदगी भर चलने वाला है। लेकिन जब भी किसी कंपनी में तेजी होती है तो खूब चलता है। एशियन पेंट जब नहीं चला था भाई नोटबंदी के पहले, 400-500-600 में लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि स्टॉक वहीं पे घूम रहा था। लेकिन जब चला तो 4000। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं भाई, वो परेशान होके निकल जाते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जो अच्छी कंपनी है, जिसका बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, अच्छे रिजल्ट ही पेश कर रही है, फिर भी वो स्टॉक चल नहीं रहा है। सिर्फ माइक्रो कैप कंपनी पैसा बन रहा है, लॉट वाली कंपनी पैसा बन रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है भाई कि जो क्वालिटी कंपनी है उसमें पैसा नहीं बनेगा। जब क्वालिटी कंपनी पैसा बनेगा तो फिर इन कंपनियों में पैसा नहीं बनेगा। 2016 से लेकर के 2020 तक क्या पैसे बने थे माइक्रो कैप कंपनी में? छोटी छोटी कंपनी पैसा बिल्कुल भी नहीं बनाता। पर 2020 के बाद देख लो, कोविड के बाद देख लो, एक दिन ऐसा भी होगा कि जो लॉट वाली कंपनी चल रहे हैं, जो माइक्रो कैप कंपनी चल रहे हैं, वो नहीं चलेगा। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो परेशान होकर बेच देंगे कि मेरा 2 साल समय बर्बाद हो गया, 3 साल समय बर्बाद हो गया। छोटी छोटी कंपनी तो पैसा बनते ही नहीं है, सिर्फ बड़ी कंपनी पैसा बनता है। आप ही लोग बोलेंगे, कुछ दिन पहले सिर्फ आप लोग केमिकल कंपनी पैसा लगाना चाहते थे, क्योंकि केमिकल कंपनी पैसा बहुत तेजी से बन रहा था। पर अभी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है भाई। आईटी कंपनी पैसा जब बना तो खूब बना, पर अभी तो आईटी कंपनी चली नहीं रहे। तो आप लोग ये कहीं मत सोचिए कि छोटी कंपनी चल रहा है तो मैं सारा पैसा छोटी छोटी कंपनी में लगा दूं। और एक बात मैं आपको खुल के कह देना चाहता हूं भाई, कोई डाउनग्रेड करेगा तो कोई अपग्रेड करेगा, ये सब भैया सालों से चल रहा है। तो आप लोग इन चक्रों में मत पड़िए, अच्छी कंपनी खरीदिए और उसे चलने का इंतजार कीजिए। आप अगर एशियन पेंट खरीदे हैं ना, तो उसे भी आप चलने का इंतजार कीजिए। आप अगर लॉट वाली कंपनी पैसा लगाए हैं तो चलने का आप इंतजार कीजिए। आप अगर बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस जैसी कंपनी खरीदें तो भैया आप चलने का इंतजार कीजिए। नहीं तो फिर होगा क्या कि जब स्टॉक चलेंगे तो फिर पीछे पीछे आप दौड़ लगाएंगे। टाइटन चला ना तो क्या कोई खरीद पाया? एशियन पेंट चला तो क्या कोई खरीद पाया? बजाज अभी चलेगा तो क्या कोई खरीद पाएगा? कोई नहीं खरीद पाएगा। जो इस समय परेशान हो रहा है पैसा लगा के, वो आगे पैसा बनाएगा। जो 2016 से छोटी छोटी कंपनी खरीद के बैठा हुआ था, जब छोटी छोटी कंपनी में तेजी हुई तो पैसा किन का बना? जो कोविड के पहले परेशान हो रहा था, वो होल्ड किया, तब जाके वो बड़ा पैसा बना रहा होगा। लेकिन जो FD से रिटर्न कंपेयर किया कि 3 साल मेरा छोटी छोटी कंपनी पैसा बर्बाद हो गया, 4 साल तो छोटी छोटी कंपनी चला ही नहीं, वो FD से अगर रिटर्न कंपेयर किया तो बेच के निकल गया। तो अच्छी कंपनी खरीदिए और बैठे रहिए। तो भैया ये जो कंपनी है उसका नाम है बंसल रूफिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अभी ये बहुत छोटी कंपनी है भाई, जिसमें आप लोग पैसे लगा सकते हो। इनका भैया रूफिंग का बिजनेस है। आप स्क्रीन पे देख के समझ सकते हो कंपनी क्या करती है। स्कूल, फैक्ट्री, कॉलेज, सर्विस सेंटर में आप लोग देखे होंगे। और यहाँ पे आप क्लाइंट देख सकते हो भाई, पेडीलाइट, ग्रीन पैनल, अडानी, विलमार, वेल, GMM, फॉडलर, ABB, टाटा केमिकल। तो भैया इनका रूफिंग का बिजनेस है, आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको अगर लगता है कि इस बिजनेस में पैसा बनेगा तो आप पैसे लगाइए, और अगर आपको लगता है कि नहीं इस कंपनी में पैसा नहीं बनेगा तो आप बिल्कुल ही पैसे मत लगाइए। और आप लोग इस कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें और देखिए कंपनी क्या करती है। आपको अगर बिजनेस समझ में आता है तो आप इन्वेस्टमेंट करें, और अगर बिजनेस समझ में नहीं आता है तो आप 1 रुपये मत लगाइए। कुछ दिन पहले ही मैं गाड़ी सर्विसिंग कराने गया था, वहाँ पे भैया रूफिंग का काम चल रहा था, अगल बगल में भी रूफिंग का काम चलता ही रहता है। तो आपको ये कंपनी समझ में आती है तो आप इन्वेस्टमेंट करें, वरना आप छोड़ भी सकते हैं। अभी इस कंपनी का क्या प्राइस चल रहा है आप देख सकते हो, 117 रुपया। मार्केट कैप जो है भाई वो 155 करोड़ का मार्केट कैप है। तभी भी बहुत छोटी कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है भाई। ROC, RO ये सब भी आप देख सकते हो, 23% का ROC है,
21% का ROE है, 74% का सेल्स ग्रोथ है और 74.86% का प्रॉफिट ग्रोथ है। प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है भाई वो 73.37% का है, तो भैया इसका फाइनेंशियल बढ़िया है। आपको अगर बिजनेस समझ में आता है तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं बिजनेस में दम नहीं है तो बिल्कुल ही पैसा मत लगाइए। आप लोग इस कंपनी का भैया ग्राफ देख सकते हो, तो भैया 2014 में इस कंपनी का जो प्राइस था वो 6 रुपया था, और 2015 में 5 रुपया 97 पैसा, 2016 में 6 रुपया 7 पैसा, यानी ये स्टॉक 2 साल तक वहीं पे घूमता रहा, और फिर जब चला भाई तो 14 रुपया हो गया, 6 रुपया से 14 रुपया हो गया, और फिर थोड़ा सा करेक्शन हुआ और फिर से ये स्टॉक 21 रुपया का हो गया। तो भैया पैसा किनका बना जब ये स्टॉक चला, तो जब 21 रुपया का हुआ तो जो 2 साल बर्दाश्त किया, आप लोग तो भैया तुरंत परेशान हो जाते हो, और फिर 21-22 रुपया से ये स्टॉक फिर से 9 रुपया भी हो गया, 8 रुपया भी हो गया। 2018 में जो प्राइस था वो 8 रुपया 75 पैसा, मतलब 2014 में जो लोग भी पैसे लगाए, जब फिर से स्टॉक 2018 में 8 रुपया हो गया तो परेशान हो गए, उनको क्या लगा कि मेरा तो 2-3 साल 4 साल समय बर्बाद हो गया, स्टॉक ऊपर गया था, काश मैं बेच दिया होता, 21 रुपया में बेच दिया होता, 22 रुपया में बेच दिया होता, स्टॉक मार्केट तो बेकार है, बंसल रूफिंग बेकार कंपनी है, इससे अच्छा मैं बजाज फाइनेंस से पैसा लगा देता, क्योंकि जो स्टॉक उस समय चलेगा आपको अच्छी कंपनी ही लगेंगी, जाहिर सी बात है। अभी बजाज फाइनेंस नहीं चला तो आप लोग को बेकार कंपनी लग रही होंगी। तो भैया 2018 में प्राइस जब 8 रुपया हो गया तो परेशान हो गए, फिर ये स्टॉक 11 रुपया तक गया 2019 में, और फिर से 11 रुपया से ये स्टॉक 7.5 रुपया आ गया, 7 रुपया आ गया, तो फिर वो परेशान हो गए कि मेरा 6 साल समय बर्बाद हो गया, क्या मिला क्या मिला, इससे आया तो मुझे FD में रिटर्न मिलता, या फिर मैं बजाज खरीद लेता तो ज्यादा रिटर्न मिलता, ये स्टॉक तो वही पे घूम रहा है। आपके साथ भी यही होता है ना, आप लोग भी यही सोचते हो ना। तो भैया ये सब चीज सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता है, सभी के साथ होता है। आप किसी भी कंपनी का ग्राफ उठा के देख लो, हम जब ये सब समझाते हैं तो कई लोग कमेंट करते हैं कि रामायण कथा मत सुनाओ, फालतू का बकवास मत करो। तो भैया मैं आप लोग से एक बात कहना चाहूंगा, 25 साल पहले जैसे पैसा बनता था ना, आगे भी पैसा आपका वैसा ही बनेगा। 25 साल पहले भी मार्केट में करेक्शन होता था, कंसोलिडेशन होता था, कभी छोटी कंपनी चलता था कभी बड़ी कंपनी चलता था। तो भैया जिनका भी समय बर्बाद हो गया 6 साल, वो तो परेशान होके निकल गए, वो तो भैया इस कंपनी को बेच दिए, या फिर डायनेमिक केबल को परेशान होके बेच दिए। डायनेमिक केबल का भी आप ग्राफ उठा के देख लो, चार्ट जाके देख लो, और फिर जब ये स्टॉक 7 रुपए से चलना स्टार्ट किया भाई, तो देख लो अभी क्या प्राइस है, 117 रुपया। तो हम आप लोग से क्या बोलते हैं, हम आप लोग से क्या बोलते हैं कि आप छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए, टारगेट बड़ा रखिए। आप दूसरे स्टॉक से कंपेयर मत कीजिए कि वो स्टॉक इतना चल रहा है, मैं तो अभी यहीं पे हूं। जैसे इस कंपनी का प्राइस 2014 में 6 रुपया था और 2020 में भी प्राइस 7 रुपया था, तो कंपेयर किए होंगे ना, मैं बजाज फाइनेंस से पैसा लगाता तो ज्यादा रिटर्न मिलता, निफ्टी में पैसा लगाता तो ज्यादा रिटर्न मिलता, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता तो ज्यादा रिटर्न मिलता, लेकिन मुझे इस कंपनी में क्या मिला, कुछ नहीं मिला। पर जो चुपचाप खरीद के बैठ गए वो पैसे बना रहे ना, लेकिन जब वो खरीदे तो पैसा नहीं बना, 6 साल समय भी बर्बाद हो गया उनका। पर अभी देखना इस कंपनी में पैसा कितना बनेगा, डायनेमिक वाले पैसा बन रहा है ना, जब चला तो चल ही रहा है ना। तो करेक्शन कंसोलिडेशन सभी कंपनी में होता है, समझ में आता है तो आप इन्वेस्टमेंट करें। शायद जो मैं बोल रहा हूँ आपको खराब लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई जो है भैया मैं बस आपको वही बता रहा हूँ। बजाज फाइनेंस 14 साल नहीं चला, SRF 9 साल नहीं चला, टाइटन 6 साल नहीं चला, और पिछले 25 सालों में टाइटन 12-13 साल तो चला ही नहीं, मतलब हर साल तो पैसा बना ही नहीं। तो क्या आपके पास पेशेंस है, तो ही जाके आप लोग बंसल रूफिंग प्रोडक्ट में पैसा लगाएं, वरना आप छोड़ दें। और मैं जो बोलता हूँ आप अगर वो कीजिएगा तो आप टेंशन फ्री रहिएगा। मैं क्या बोलता हूँ कि स्टॉक अगर डबल होता है तो आप बेच के निकल लीजिए, मेरे कहने का मतलब अपना कैपिटल निकालिए, प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, तो ही ना आप होल्ड कर पाएंगे। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का, कॉन्टेक्ट कीजिए मुझसे पेड सर्विस चाहिए तो। तो मान लीजिए किसी ने इस कंपनी का शेयर 2014 में 6-7 रुपया के प्राइस पे खरीदा, और जब स्टॉक का प्राइस डबल हुआ भाई 14 रुपया हुआ, तो अपना कैपिटल निकाल लिया, सिर्फ प्रॉफिट को छोड़ दिया, तो जो प्रॉफिट को छोड़ दिया वो तो भैया लंबे समय तक होल्ड कर लिया,
जब स्टॉक घूमता रहा, कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया 6 सालों तक, तो होल्ड कर लिया होगा। होल्ड किया तो आज के टाइम पैसा बन रहा है। तो आप लोग को भी क्या करना है, इस कंपनी पैसा लगाना है, छोटा इन्वेस्टमेंट करना है। स्टॉक अगर डबल होता है तो आपको अपना कैपिटल निकाल लेना है, और बड़े पैसे तो भैया खरीद के भूलने पे ही बनने वाला है ना। पर अगर आप गोल्ड बनने की कोशिश करोगे तो शायद आप पैसे कभी नहीं बना पाओगे। आप अगर रूल को फॉलो कीजिएगा तो ही आप पैसे बना पाइएगा, ऐसे पैसा नहीं बनता। मैं आपको डायनेमिक केबल का दिखाना चाहूंगा ग्राफ। तो ये भैया डायनेमिक केबल का ग्राफ, 2016 में जो प्राइस था वो 68 रुपया था, और 2021 में 23 रुपया हो गया। तो यहाँ भी भैया बहुत दिन तक पैसा नहीं बना, फिर जब बना तो बनी रहा है। तो जो एफडी से रिटर्न कंपेयर करते हैं वो तो भैया बेच के निकल लिए होंगे, डायनेमिक केबल को बेच के निकल गए होंगे ना। पर जिन्होंने हीरो या जीरो के तौर पर पैसा लगाया, छोटा इन्वेस्टमेंट किए, टारगेट बड़ा रखे, तो आज के टाइम पैसे बना रहे हैं। अभी भी कोई बहुत बड़ी कंपनी तो है नहीं डायनेमिक केबल, और पैसा इसी तरह से बनता है। और आप ये कहीं मत सोचिए कि आप जितनी कंपनी खरीदेंगे सभी स्टॉक चलेगा, सभी स्टॉक एक साथ ही चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप ये सपना भी मत देखिए। हम आप लोग को लगातार बता रहे हैं कि बजाज फैन 14 साल नहीं चला, तो आप लोग उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। और आप बड़ी बड़ी कंपनी का ग्राफ उठा के देख लीजिए कि जब वो छोटी कंपनी थी तो कैसे चला था, कितना दिन तक रुका था, पैसे भी किनके बने, करोड़ों रुपया पैसा उनका बना जो गॉड बनने की कोशिश कर रहे थे, कि जो चुपचाप खरीद के बैठ गए, पैसा उनका बना। और आप लोग एफडी से, म्यूचुअल फंड से अगर रिटर्न कंपेयर करते हैं, प्रॉपर्टी से रिटर्न कंपेयर करते हैं, या आप स्टॉक में पैसे ना लगाएं, आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं, प्रॉपर्टी खरीदें, एफडी करें, आईफोन खरीदें, टोयोटा का फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदें, लेजेंडर खरीदें, महंगे महंगे कपड़े खरीदें, ब्रांडेड कपड़े खरीदें, ज्यादा अच्छा है। जिनका भी पैसा इस कंपनी में फंसा होगा वो यही सोच रहे होंगे 6 सालों तक कि मुझे क्या मिला। डायनेमिक केबल में जिनका भी पैसा फंसा होगा 3-4 सालों तक वो यही सोच रहे होंगे मुझे क्या मिला। डायनेमिक केबल तो चलता नहीं है, निफ्टी में पैसा लगाता तो ज्यादा रिटर्न मिलता, एफडी में पैसा लगाता तो ज्यादा रिटर्न मिलता, डायनेमिक केबल मुझे क्या मिला, निंटेक में मुझे क्या मिला। निंटेक का ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं भैया इसलिए दिखा रहा हूँ ना ताकि आप लोग चीजों को समझे। निंटेक का मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये भैया निंटेक का, आप यहाँ पे देखो ना, 2016 में जो प्राइस था ना वो 7 रुपया था, और 2020 में 4 रुपया था निंटेक का प्राइस। आप यहाँ पे देख लो, निंटेक सिस्टम लिमिटेड है, 2021 में जो प्राइस था वो 10 रुपया था, 8 रुपया था। तो 5 साल तो पैसा भैया बना नहीं, वहीं पे घूमता रहा। तो जिनके पास भी ये स्टॉक होगा, किसी के पास तो होगा ना, मैं तो खैर 50 रुपया से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जिनके पास भी ये स्टॉक होगा वो क्या सोचे कि मेरा तो निंटेक में समय बर्बाद हो गया, 5 साल तो स्टॉक चला नहीं, 5 साल में एफडी में पैसे लगाता तो ज्यादा रिटर्न मिलता, म्यूचुअल फंड भी खरीदता तो ज्यादा रिटर्न मिलता, निंटेक मुझे क्या मिला। वो तो भैया बेच दिए होंगे। बेचने के बाद क्या हुआ आप लोग ही देखो, जो लोग डायनेमिक केबल को बेचे, बेचने के बाद क्या हुआ आप लोग ही देखिए। हम क्या बताएं, जो लोग इस कंपनी को बेचे होंगे ना, अब वो पछता रहे होंगे। अभी तो स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा, हाँ हम ये मानते हैं, आप 10 कंपनी खरीदोगे, 10 में से 8 में ही पैसे बनेंगे, और 3-4 कंपनी आगे चल के लार्ज कैप कंपनी बनेंगी, फिर भी आप पैसे बना रहे हो। लेकिन पैसे आप तभी बना रहे हो जब आप एफडी से रिटर्न कंपेयर नहीं कर रहे हैं। छोटी छोटी कंपनी खरीदना बहुत ही आसान है भाई, लेकिन 5-6 साल अगर स्टॉक नहीं चलता है तो आप अगर होल्ड नहीं कर पाते तो फिर बिल्कुल ही पैसे मत लगाइए, 1 रुपया पैसा लगाने जरूरत नहीं है। फिर आप किसी भी कंपनी पैसे लगा लो, पैसा नहीं बनेगा, कुछ भी खरीद लो पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि जो अभी चल रहा है वो नहीं भी चलेगा। जो निंटेक को बेचे वो भी पछता रहे। तो आप लोग भी जो भी छोटी छोटी कंपनी खरीदते हैं वो सोच समझ के खरीदे। स्टॉक नहीं चलेगा 5-6 साल तो क्या आप होल्ड कर पाएंगे, नहीं होल्ड कर पाएंगे, पैसे मत लगाइए। फिर आप म्यूचुअल फंड खरीदिए ना, एफडी में पैसे लगाइए, प्रॉपर्टी खरीदिए, ये सब चीज तो हमेशा ऊपर ही रहेगा। फिर आप करोड़ों रुपया बनाने का सपना मत देखिए। तो अगर आपको एक कंपनी समझ में आती है तो आप पैसे लगाएं, और पैसे लगाने से पहले इस कंपनी को ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें और देखिए कंपनी क्या करती है, उसके बाद ही आप पैसे लगाएं भाई। अगर आपको कंपनी के बारे में पता होगा तभी जाके आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, नहीं तो फिर आप बेच देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप इन्वेस्टमेंट ही मत कीजिए। और इन कंपनी में आप जो भी पैसे लगाइए वो हीरो या जीरो के तौर पर पैसे लगाइए, और जो मैं बोला हूँ आप अगर वो करते हैं आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो आप लोग रिटर्न प्रोफाइल देखते हैं ना, ये छोड़ दीजिए आप लोग देखना, नहीं तो फिर जब स्टॉक चल जाएगा ना तो ही जाके आपको रिटर्न प्रोफाइल अच्छा दिखेगा। मैं जब 50 रुपया के प्राइस पे इस कंपनी वीडियो बनाया था, निंटेक के वीडियो बनाया था, क्या रिटर्न प्रोफाइल अच्छा होगा, नहीं होगा। लेकिन अभी आप जाके देखोगे रिटर्न प्रोफाइल तो बहुत अच्छा दिखेगा, निंटेक का या फिर डायनेमिक केबल का। तो चल जाने के बाद भाई रिटर्न प्रोफाइल अच्छा ही हो जाता है। तो आप लोग रिटर्न प्रोफाइल पे ध्यान मत दीजिए, आप कंपनी का जो बिजनेस है उसको आप समझिए, उसके बाद आप पैसे लगाइए। कोर मॉइल चल गया,
अभी अगर 2-3 हजार का हो जाता है तो उसका रिटर्न प्रोफाइल अच्छा हो जाएगा। सिर्फ अगर 500-600 का हो जाता है तो उसका रिटर्न प्रोफाइल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो रिटर्न प्रोफाइल का भैया कोई मतलब नहीं है, आप कंपनी को समझिए, कंपनी का जो बैलेंस शीट उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। सभी लोग मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे, उनको इंटर डिटेल्स फ्री में दिया जाएगा। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब का बेल बटन प्रेस, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल नहीं पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी पैसा लगाएं तभी जाके आपका पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में। धन्यवाद।